हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड एज द टाइटल सजेस्ट, हम यहाँ आए हैं रिट्ज़ कार्ल्टन में अपनी 10th वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है हमारे विला का प्राइवेट पूल, जिससे पूरा दूर दूर तक डेजर्ट दिखता है। यहाँ पे सारे इंडिविजुअल विलाज हैं, तो हमारा भी एक विला था विच वॉज वन बेडरूम विला, और ये बाहर का एरिया है। यहाँ हम एक दिन पहले आ गए थे, ये हमारा सेकेंड डे है। और हम लोग जब सुबह उठे तो सुबह बाहर बहुत सुंदर नज़ारा था, जो यूजुअली दुबई में देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग सुबह उठ के ब्रेकफास्ट जो कॉम्प्लीमेंट्री था हमारे लिए, हम लोग उसी के लिए यहाँ पे तैयार हो रहे हैं। और सिंस ये रिज़ॉर्ट पूरा डेजर्ट के बीचों बीच है, तो कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है हमें बग्गी की ज़रूरत होती थी, क्योंकि काफ़ी बड़ा रिज़ॉर्ट था ये। या फिर आप यूज़ कर सकते थे साइकिल्स, जो हम लोगों ने यूज़ नहीं की, क्योंकि हमारे पास दो छोटे बच्चे थे और हम लोग दोनों ही इतना कॉन्फिडेंट नहीं हैं कि हम साइकिल पे उनको पीछे बिठा के राइड कर सकें। तो यहाँ हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और ये हमारी बग्गी है। हम लोग यहाँ जितने दिन रहे, बगी राइड ली, उतनी बार काव्या सबसे पीछे जाके बैठी और उसे बहुत मज़ा आया। तो ये है हम लोगों का ब्रेकफास्ट, जो ये स्टार्टर्स हैं बेसिकली, और हमने लेबनीज़ ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया था। तो यहाँ हम लोग बस वो इन्जॉय करें। उसके बाद भी हमने काफ़ी कुछ ऑर्डर किया था, क्योंकि हम बहुत भूखे थे तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। ये है यहाँ का रिसेप्शन एरिया चेकिंग चेकआउट के लिए। और यहाँ हम आए थे चेक करने के लिए कि क्या आज की एक्टिविटीज़ हैं जो अवेलेबल हैं और हम लोग कर सकते हैं। बट इतने छोटे बच्चों के साथ में वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था जो हम कर सकें, क्योंकि कवीश बहुत छोटा है, ही इज़ जस्ट 2। तो यहाँ से उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि हम बच्चों को ले जाएँ हॉर्सेस और पोनीज दिखाने के लिए, और वहाँ पर आप राइड भी कर सकते हैं। आप देखिए, दूर दूर तक रेत के सिवाय कुछ नहीं दिखता है। ये है यहाँ का किड्स प्ले एरिया का एक छोटा सा पार्ट, थोड़े झूले हैं यहाँ पे, और ये है इनका स्टेबल। इनका स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। उन्होंने बच्चों को पूरा स्टेबल घुमाया और सारे हॉर्सेस से और पोनीज से मिलवाया, उनके नाम बताए। और यहाँ ये निकाल रहे हैं एक छोटा सा पोनी, इसका नाम है स्पॉट, क्योंकि इसके बॉडी पे बहुत सारे स्पॉट्स हैं। तो उन्होंने काव्या को ऑफ़र किया कि अगर वो राइड लेना चाहे तो हमने उसका रजिस्ट्रेशन करवाया वहाँ पे इनके मेन ऑफिस में, एंड देन शी कुड राइड द पोनी। ये आ गए हैं हम लोग बाहर, और कुणाल काव्या की कुछ पिक्चर्स लेना चाह रहे थे, तो यहाँ हम वो ही कर रहे हैं। और कवीश भी आ गए हैं आगे। पता नहीं, इस बच्चे को बिल्कुल किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। इसने सारे एनिमल्स को टच किया वहाँ पे, तो बड़ा दबंग बच्चा है ये। काव्या हो गई है बिल्कुल सेट ऑल सेफ्टी गेयर्स के साथ में, और ये वो गई अपनी पोनी राइड के लिए। मीनवाइल हम लोग अंदर आ गए थे और बाकी हॉर्सेस से मिल रहे थे, तो कवीश को भी बहुत मज़ा आ रहा था हाथ लगाने में। और यहाँ पे मैंने भी सोचा मैं भी टच करके देखूं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये हॉर्स बिल्कुल ठंडे मिजाज का है, बिल्कुल मेरी तरह। तो हम लोग इसी बात पे हंस रहे थे। एंड यहाँ पे ये भी हाथ लगा रहा है, और बहुत एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा खुश था कवीश ये घोड़े देखकर। वहाँ के स्टाफ ने हमें बताया कि यहाँ पे बहुत सारे बनीज भी हैं, तो कवीश तो ऊपर ही देखे जा रहा था, क्योंकि ऊपर से ही हॉर्सेस नज़र आ रहे थे उसको। तो उसको नीचे दिखाने में हमें बहुत टाइम लगा कि नीचे भी देख ले भाई, नीचे भी कुछ है। थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पे भी एक बनी बैठा है। थोड़ी देर तो वो थोड़ा दूर से खेलता रहा, बट एकदम से जाके उसने उसको हाथ लगा दिया। और मैं बाहर काव्या को देखने गई थी, तो कुणाल ने मुझे बताया कि इसने इसको बनी को पैर से भी मार दिया। सो ये ऑफ कोर्स पेट हैं, तो इन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया हालांकि, बट उसको फिर प्यार से समझा दिया कि पैर नहीं मारे। तो
फिर वो उनके आसपास ही खेलने लगा। और यहाँ पर काव्या वापस आ गई थी, तो अब पारी थी कविश की। उन्होंने कविश को भी एक बहुत छोटा सा राउंड पोनी पे लगवाया, और काव्या का बिल्कुल मन नहीं था कि वो उसको छोड़े, बिकॉज़ काव्या को बहुत डर लग रहा था, तो शी वॉज श्योर कि कविश को भी डर लग रहा होगा। तो एज अ बिग सिस्टर वो उसको छोड़ ही नहीं रही थी, पर उसको समझाया कि अंकल ने पकड़ा है, उसने पूरा मेक श्योर किया कि अंकल ने पकड़ा है, और उसके बाद उसको छोड़ा। तो यहाँ पे राइड के बाद पोनी को पैट करके कविश को हमने नीचे उतार लिया। फिर काव्या को भी अंदर बनीज़ देखने थे, तो वो भी अंदर गई बनीज़ देखने। उसको बहुत मज़ा आया, सॉफ्ट लगा एकदम, वो बहुत खुश थी। ऐसा ही होता है ना, बच्चे खुश तो हम खुश। यहाँ पे इनके ये सारे कैमल्स थे, और ये कैमल इतने स्टिल खड़े होके हमको देख रहे थे कि काव्या को लगा कि ये फेक हैं, ये स्टैचूज़ हैं। सो हम लोग काफ़ी हंसे इसकी बात पे। फिर एक कैमल ने अपना मुंह थोड़ा सा शेक किया, देन शी रियलाइज्ड कि हाँ, ये असली के कैमल्स हैं। और ब्रेकफास्ट और पोनी राइड्स करके हम वापस अपने विला में आ गए हैं। दीज आर द साइकिल्स जिनकी मैं बात कर रही थी, कि आप साइकिल से भी पूरे रिजॉर्ट में घूम सकते हैं। शाम को 5 बजे यहाँ पे होता है एक फाल्कन शो, जिसके लिए हम लोग आए हैं बच्चों को दिखाने के लिए। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं बाकी गेस्ट्स का, और 5 बजने का हम लोग थोड़ा अर्ली पहुँच गए थे यहाँ पे। मोस्ट बच्चे वहाँ पे अपनी आफ्टरनून नैप के बाद ही आए थे। तो ये जो भाई साहब दिखा रहे हैं, ये इनके ट्रेनर हैं, और बेसिकली ये बता रहे थे हमको कि ये आउल है, ये फाल्कन नहीं है। तो इसकी कलाबाजियाँ वो हमें दिखा रहे थे, और इसके बारे में बेसिकली हमें डिटेल्स बता रहे थे कि ये किस तरीके का प्राणी है। तो यहाँ पे बाकी बच्चों को देख के काव्या का भी मन हुआ, और थैंकफुली उसने ये एक्टिविटी करी, क्योंकि इसके बाद इस शो का बिल्कुल ही पोपट हो गया था। तो यहाँ पे काव्या आउल का वेट करी है, और उन्होंने काव्या का हाथ पकड़ा हुआ है, इसलिए वो वहाँ खड़ी हुई है, नहीं तो वो उल्टे पैर भाग के आ जाती, क्योंकि काफ़ी बड़ा था ये आउल, और अराउंड 600 ग्राम्स का था, तो काफ़ी हैवी था बच्चों के हाथ पे बिठाने के लिए, और ये उड़ के अपना फीड लेके वहाँ से वापस आ गया है। सो पोपट शो का इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही फाल्कन शो शुरू होने वाला था, उनका फाल्कन उड़ के जो है दूसरे पेड़ पे जाके बैठ गया, और वहाँ से वो 45 मिनट्स तक वापस नहीं आया जब तक हम वहाँ थे, और कब वापस आया वापस नहीं आया हमें नहीं पता। सो काफ़ी देर वेट करके हम लोग अपने विला में आ गए थे, और मैंने मेरी फेवरेट अर्ल ग्रे टी बनाई यहाँ पे, और सोचा थोड़ा सा डिनर से पहले रिलैक्स कर लूँ। और फिर डिनर के लिए हम लोग निकल आए हैं। फिर से हमने एक बगी राइड ली है, और फिर से काव्या सबसे पीछे बैठी हुई है। तो ये यहाँ का बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है। यहाँ हम लोग आए हैं अपने डिनर के लिए, और ये अरबिक लेबनीज़ रेस्टोरेंट है। एंड लेट्स टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट कि ये कितना ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे इवनिंग्स बहुत ज़्यादा प्रिटी होती हैं, लैम्प्स लगे हुए होते हैं, ये अरबिक लैम्प्स हैं। तो ये देखिए यहाँ पे, ये इनका बार है। और काव्या भी ऊपर के नज़ारे देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो हम लोगों का डिनर ऑलमोस्ट आ गया था, काव्या का फेवरेट पिज़्ज़ा। और ये देखिए, यहाँ मैं चुप हो जाती हूँ, आप सिर्फ इनका डांस देखिए, कितना खूबसूरती से ये परफॉर्मेंस देते हैं यहाँ पे।
सो परफॉर्मेंस के बाद हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेट किया अपने डिनर पे, और ये लेबनीज डिनर हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया है, और हर आधे घंटे में एक परफॉर्मेंस थी। तो हम लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये सेम लेडी है या ये डिफरेंट लेडी है। मेरे हिसाब से ये डिफरेंट है, पर अकॉर्डिंग टू कुणाल ये वही हैं, सिर्फ इन्होंने अपना फेस मास्क और अपने प्रॉप्स हटा दिए हैं जो कैंडल्स रखी हुई थी। और यहाँ हम लोग वापस अपने विला में जा रहे हैं। इस रेस्टोरेंट का नाम था मरूश, तो काफ़ी अच्छी जगह है। और अब हो गया है हमारा नाइट टाइम, सो गुड नाइट फॉर द डे। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग वेयर वी आर अगेन गोइंग टू हैव द ब्रेकफास्ट। हम लोगों ने मोस्टली सेम ही ब्रेकफास्ट किया, सो आई एम नॉट शोइंग यू ऑल ऑफ दैट। पर ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग बाहर आए और यहाँ पे हमने देखा कि फाल्कन था, तो कुणाल ने भी ट्राई किया, उन्होंने पहले भी ट्राई किया हुआ है, बट यहाँ पे काव्या बहुत एक्साइटेड थी और कविश लीस्ट बॉदर्ड था। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था आसपास क्या हो रहा है, बिकॉज शायद वो थोड़ा सा स्लीपी था। और जो ये साइकिल है ये भी वहीं पे अवेलेबल थी छोटे बच्चों के लिए जो ट्रेनिंग व्हील्स के साथ में थी। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट चेकआउट टाइम हो गया था, हम लोग यहाँ थे 2 डेज़ के लिए। सो पहले वो हमें ले गए हमारी कार पार्किंग में, जहाँ पे हमने अपनी कार पार्क करी हुई थी, और हमारी कार पार्क थी इस ब्यूटीफुल जीप के पास में। सो हमने ये जीप देखी और फिर सारा सामान कार में लोड किया जो भी हमारा हैंड लगेज था। और यहाँ पे हम लोग वापस जा रहे हैं, दिस इज़ द एंट्रेंस बेसिकली, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अंदर अपना चेकआउट प्रोसीजर करने। बस यहीं तक था हमारा 2 दिन का स्टेकेशन, हम लोग निकल रहे हैं वापस अपने घर दुबई के लिए। और बहुत मज़ा आया, स्टाफ बहुत अच्छा था, आई गिव 5 स्टार्स टू दिस प्लेस। इन्होंने बहुत ज़्यादा मेमोरेबल बनाया हमारा स्टेकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द इंटायर वीडियो, आई होप यू एन्जॉयड एज मच एज वी डिड। थैंक यू सो मच, जयराम जी की, बाय बाय।